सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे फेवरेट हीरो के बारे में, KRK। सॉरी SRK के बारे में। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि ब्रह्मास्त्र मूवी में से शाहरुख खान का एक सीन लीक हो चुका है, जो कि कोई वीडियो नहीं बल्कि एक क्लिप है। अब यार, उस लीक्ड क्लिप को देखकर मुझे इतना ज्यादा खुश तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीक की वजह से मूवी में उतना मजा नहीं आता है। लेकिन मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा मूवी में भी SRK का केमियो देखने मिला और वो सीन भी लीक हो गया है। और ब्रह्मास्त्र मूवी से भी आज ही एक लीक आ गया शाहरुख खान का, तो मैं क्यों ना हूँ खुश। तो अब बात करते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी में से जो SRK का लीक आया है वो कौन से कैरेक्टर होंगे, मतलब कि उसमें इतने सारे अस्त्र हैं तो शाहरुख खान कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे। हाँ, तो देखो, जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया था तो बस यही चर्चा चल रही थी कि इस मूवी में SRK का एक केमियो तो होगा ही। लेकिन फिर बाद में पता चला कि सिर्फ केमियो ही नहीं होगा, एक अच्छे खासे टाइम के लिए होंगे SRK इस मूवी में। और अब बात आई कैरेक्टर की, तो ऐसा बोला जा रहा था कि SRK इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे, जो कि हमें ट्रेलर में त्रिशूल के साथ बताया गया। और यार, इसका लुक भी SRK की तरह ही लगता है मूवी में भी। लेकिन ये जो क्लिप लीक हुई है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि SRK वानर अस्त्र वाला कैरेक्टर प्ले करेंगे, क्योंकि इस सीन में और इस लीक्ड फोटो में दोनों के कपड़े एक ही जैसे लग रहे हैं। और इस लीक को कंफर्म तो ये बात कर देती है कि दोनों की पावर का कलर भी एक ही है, मतलब जो इस लीक्ड फोटो में है और जो हमने ट्रेलर में देखा था। अब यार देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये पत्थर की लकीर है, मतलब कि ये लीक होगा, ये फोटोशॉप भी हो सकता है। लेकिन यार, मुझे लगता नहीं कि ये फोटोशॉप होगा, क्योंकि जब से इस मूवी का ट्रेलर आया, जब से SRK के लीक सुनने में आ ही रहे हैं कंटिन्यू, तो हाँ, मुझे तो लगता है ये हो सकता है कि इस मूवी में वानर अस्त्र का यूज SRK ही करें, अगर ये क्लिप फोटोशॉप नहीं हुई हो तो। हाँ, और रही इस कैरेक्टर की बात, तो जब से ब्रह्मास्त्र मूवी का ट्रेलर आया है तब से फैंस ने तो कंफर्म ही कर दिया कि ये कैरेक्टर SRK ही है। और जब फैंस इतने भरोसे के बाद बोल रहे हैं तो वो चीज गलत कैसे हो सकती है। हाँ, ये सही हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वानर अस्त्र भी SRK ही यूज करेगा और ये कैरेक्टर भी SRK ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है मूवी में ये वाला जो कैरेक्टर है ये पास्ट का होगा, मतलब कि शिवा के पूर्वज होंगे, और ये वानर अस्त्र वाला कैरेक्टर प्रेजेंट कैरेक्टर होगा, जो कि एक साइंटिस्ट होगा जो कि रिसर्च करता होगा अस्त्रों पर। तो हाँ देखो, हो सकता है कि शाहरुख खान इस मूवी में दो दो रोल करे, एक तो वानर अस्त्र वाले का और एक इस कैरेक्टर का। तो चलिए देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।